आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं सभी अनुमंडलों में जो है फूड इंस्पेक्टर की जो है नियुक्ति होगी बहुत जल्द। तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर होती है इसकी जो है आप लोग को एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन होती है, साइंस से डिग्री पास होना चाहिए। तो फिर इसके लिए आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन जो भी प्रक्रिया आगे निकल के आएगी उस टाइम आप लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 14 फूड इंस्पेक्टर जो है भरोसे चल रहा है खाद्य संरक्षण, इसमें जो है 101 के लिए यहाँ पे जो आवेदन मांगे गए हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे राज्य में खाद्य निरीक्षक फूड इंस्पेक्टर के खाली पदों पर नियुक्ति की राह खुलेगी। राज्य सरकार ने जो खाद्य निरीक्षक की जो सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, इसे जो है राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए जो है भेज दिया गया है। सेवा में नियमावली में अभाव के अब तक जो खाद्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर जो है भरने की प्रक्रिया स्थगित थी, प्रस्ताव पर जो कैबिनेट की मंजूरी मिली तो राज्य का भी यहाँ पे सभी अनुमंडलों में इनके तैनाती हो सकेंगे। इनकी जो है कमी से खाद्य पदार्थों की जाँच में परेशानी आती है। बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित खाद्य संरक्षण निर्देशालय के अधीन खाद्य निरीक्षक कार्यकर्त है। अब तक जो इनकी सेवा नियमावली विभाग में नहीं थी। स्वास्थ्य में जो प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि खाद्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। खाद्य पदार्थ में जो है मिलावट नकल की जांच करने के लिए एकमात्र 14 फूड इंस्पेक्टर तैनात है, जबकि 2013 में सभी 534 प्रखंड मुख्यालय के एक फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया था। बाद में विभाग ने इसमें जो है बहुत सारी इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच परेशानी आई है। इसके चलते दोस्तों अभी जो है 101 जो यहां पे फूड इंस्पेक्टर को यहां पे बहाली करने का जो है निर्णय लिया गया। इसमें जो दोस्तों अभी जो है मंत्रिपरिषद द्वारा जो यहाँ पर मंजूरी भेजने का यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है भेज दिया गया है। तो अभी जो है बस कैबिनेट के तरफ से जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पे इसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ इसके लिए जो है आप लोग को डिग्री पास साइंस से होना चाहिए या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। आगे जो भी नोटिस निकल के आएगी उसके माध्यम से आप लोग को इसी तरह और एक वीडियो बना के बता देंगे। जब इसकी रिगार्डिंग नोटिस आएगी फिर आप लोग को इस जॉब के बारे में इन टोटल बात बता देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बस इतना ही जानकारी देना था, इतना ही आप लोग को बातें बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।